अनूपपुर में अधिकारी ने किया लैपटॉप खरीदी में घोटाला। इंदौर की फर्म से जैम के माध्यम से खरीदे 44 लैपटॉप अदनान के नाम पर की स्वास्थ्य विभाग ने खरीदी। राजगढ़ के विकासखंड ब्यावरा की शालाओं का एसडीएम ने किया निरीक्षण। कक्षा में मोबाइल चलाते पाए जाने पर शिक्षकों को लगाई फटकार। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था में रसोइयों से की चर्चा। नेशनल हाईवे 44 पर एक और बड़ा हादसा। दो ट्रक आपस में टकराकर हुए क्षतिग्रस्त। पीडब्ल्यूडी की दिखी बड़ी लापरवाही। सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र में बिजली के खंभे से टकराया स्कूटी सवार युवक। इलाज के दौरान युवक के पास से पिस्टल कारतूस देख डॉक्टर हुए दंग। युवक की हालत गंभीर। और शिवपुरी में कृष्णपुरम कॉलोनी में जर्जर मकान की मरम्मत के दौरान गिरा छज्जा। मलबे में दबने से एक की मौत, तीन घायल। हादसे में शामिल थे मकान मालिक, उनकी पत्नी और दो मजदूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। शाजापुर जिले के मक्सी में तीसरी लहर की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नगर पालिका परिषद ने बस स्टैंड पर रोको टोको अभियान चलाया। इसमें नगर पालिका सीएमओ अशफाक खान और तहसीलदार ने अपने प्रशासनिक अमले के साथ बिना मास्क लगाए घूमने वाले कुल 20 लोगों पर स्पॉट फाइन लगाते हुए 2000 की राजस्व राशि की वसूली भी की। मध्य प्रदेश सहित शाजापुर की अगर बात करें, उस जिले में भी लगातार कोरोना महामारी का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दो दिन पहले ही जिला कलेक्टर दिनेश जैन ने शाजापुर जिले में आदेश जारी करते हुए धारा 144 लागू कर दी थी। इसके बावजूद भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्याम टेलर के समर्थन में युवा आह्वान वाहन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में अधिकांश लोगों ने न मास्क लगाए थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही किया था। कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। ऐसे में प्रशासनिक आदेश का मजाक उड़ते साफ देखा जा सकता है। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में चार दिनों से बारिश जारी है। वहीं बारिश के साथ ही ओले भी गिरे, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बता दें कि किसानों की खरीफ की फसल के बाद अब रबी की फसल भी तबाह हो गई। मध्य प्रदेश में पिछले चार दिन में बदले मौसम के मिजाज के चलते बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है। वहीं सुबह निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर मड़िया और पठाराम गांव में ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की फसल चौपट हो गई। किसान जब अपने खेतों पर पहुंचे तो उनके खेत में ओले गिरे हुए मिले। वहीं किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर फसलें बोई थी जो पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, जिसके चलते अब साहूकारों का कर्जा कैसे चुकाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, अब तो बस सरकार पर ही भरोसा है। और पूरे क्षेत्र में हमारे खेत में इतने ओला पड़ा है कि पूरे क्षेत्र के किसानों की फसल नष्ट हो गई। हम लोगों ने कर्ज लेके फसल बोई थी, आज हम लोगों की जा स्थिति हो गई कि खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम लोग सरकार से जी चाहते हैं कुछ हम लोगों को राहत दिया, इससे हम लोगों का परिवार आने पल सके। कितना नुकसान हुआ होगा? लाखों रुपया का नुकसान हुआ है फसलों का। तो खेतों की क्या स्थिति है? खेतों में पौध हमने के लिए जगह नहीं है, पूरे इतने ओरा पड़ा है, हमारे एक फुट ओरा पड़ा है लगभग खेतों में। हमारे यहाँ इतने ओले गए भाई साहब, इतने ओले गए, हमारी तो पूरी फसल भी पूरी नष्ट हो गई। फसल के संगे संगे अब खेत पे गए हाल देखे तो जा लगे क्या होता है, फांसी लगा के मार जाए। हम का कहें बताओ, अब खावे पीवे कछु है नहीं है। अब जो रखत को तो वो पूरा विनाश होगा, अपनो है अपनो पूरा विनाश होगा। अब का कहें बताओ, मार जाए का? देखो कंसासन व्यवस्था नहीं रही तो जो है कि मन नहीं है। अब तो ओले कितने नुकसान ओले है, कम से कम 100 ग्राम तक की, इतने ओलो के अबे भी चाहेंगे ऊपर पौधा हो। अब का कहें एक घंटा में ओलो नहीं घो, एकाएक बादल हुए थोड़ी देर में बहुत तेज ओले गिरे, इसके बाद पूरी फसलें नष्ट हो चुकी हैं और हम लोगों ने कर्ज लेके खेती बोई। तो अब आपको किससे आस है? आपको अब कोई सरकार मदद करेगी तो फिर कुछ करेंगे, नहीं तो खाने के लिए कुछ है नहीं। तो फसलों का कितना नुकसान हुआ होगा? फसलों का तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अनूपपुर में स्वास्थ्य संचालक के निर्देश अनुसार हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तहत लैपटॉप और टैबलेट खरीदी के लिए प्रत्येक सीएमएचओ को 71,500 रुपए दिए जाने थे।
और सारी खरीदी जैम के माध्यम से की जानी थी, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने यहां भी अवसर तलाश कर स्वयं खरीदी कर ली और पहले चरण में 44 लैपटॉप इंदौर की फर्म से जैम के माध्यम से खरीद लिए। तत्कालीन प्रभारी अधिकारी शिवेंद्र द्विवेदी के द्वारा खरीदे गए लैपटॉप का जब सीरियल नंबर से मिलान किया गया तो सभी लैपटॉप किसी अदनान के नाम से खरीदे गए पाए गए। अब सवाल ये उठता है कि जब खरीदी स्वास्थ्य विभाग ने की है तो वो अदनान के नाम पर क्यों है, ये जांच का विषय है। कि हमने आदेश दिया है कि कोई भी जो हमें खरीदना है वो जेम से खरीदा जाएगा, ना कि किसी के पर्सनल दुकान से खरीदा जाएगा। जेम पोर्टल से ही खरीदना है और हेल्थ एंड वेलनेस से कोई नहीं खरीदेगा। सीएचओ के खाते में पैसे जाते हैं और सीएचओ इंडिपेंडेंट होके जहां से चाहे जिस कंपनी का खरीदे और बिल लगा दे। अगर ऐसी कोई शिकायत करता है, अगर झूठी कि इनको बुलाए उनको बुलाए, जबकि अनूपपुर में मिलता है, कोतमा में मिलता है, फिर भी हम खरीदेंगे तो सिर्फ जेम से खरीदेंगे, या अगर उनको पैसा दिया जाता है तो वो खरीदें। इसमें कोई अगर गलती करता है तो उसके ऊपर मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। अभी आपकी बात भी आप बता रहे थे उनसे? हाँ, जय से बात हुई है। जय ने ये कहा है कि डीपीएम ने बोला था कि लैपटॉप कुछ है दिखा दो उनको कि ये पसंद है या कुछ और लेना है। तो उसका कहना यह है कि मैं टेक्निकल जानकारी उनको दे रहा था कि ये लैपटॉप है, ये अच्छा है, ये चीज है। अब कहाँ ये लोग बैठे थे, किससे बात कर रहे थे, इसकी जानकारी मुझे नहीं। ये दुकानदार शाडोल का तरह? हाँ, हो सकता है। अगर ये लोग कहीं भी कोई भी गलती करेंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो जय हो, डीपीएम हो, बीपीएम हो, किसी भी लेवल पे इस तरीके की हरकत बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जनपद पंचायत सबलगढ़ की ग्राम पंचायत टेटरा विकास के मामले में अव्वल है। ग्राम पंचायत टेटरा के सरपंच अशोक पारशर द्वारा गौशाला, सीसी सड़कें, नाली निर्माण और चेक डैम रफ्टा का निर्माण करवाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत टेटरा में मनरेगा के तहत मजदूरों को मजदूरी भी मिली है। रोजाना काम आ रहा है, रात दिन जितने भी आदमी है इसी में प्रोग्राम करते हैं, सभी जाति के, पूरी ग्राम पंचायत, पूरी ग्राम पंचायत के। तो इसमें सामूहिक जो है पूरे काम कार्य होते हैं, इसी में पच्छा पच्छिया टीके जामी चढ़ जाते हैं, खच वगैरह ब्याह वगैरह सब जामी सब होता है। बहुत अच्छे अच्छे कार्य कराए हैं, जैसे एक हमने सामुदायिक भवन निर्माण कराया है 25.5 लाख की लागत से, माननीय नरेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से वो संपन्न हो पाया है। आप उसका अवलोकन करना चले जाके आप देखेंगे तो आप मानेंगे कि सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ। जो आज भी उसमें कार्यक्रम है, आप यहाँ पधारे हैं, आपका स्वागत है, आप जाइए। उसमें आज एक कार्यक्रम है, 13वीं का भोजन है हमारे नसीम भाई की माता जी का, उसमें आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कैसा निर्माण कार्य हुआ है और कितनी अच्छी गुणवत्ता हमने उसमें लाकर उसको बनाया। दूसरा, हमने लोगों से जाना आपके ग्राम पंचायत के थे कि आपने जो गौशाला का निर्माण कराया है वह भी एक रचनात्मक और भव्य तरीके से कराया, इसके पीछे किसका मार्गदर्शन आपको मिला था? मेरे को मार्गदर्शन माननीय नरेंद्र सिंह जी का रहता है हमेशा, हर कार्य के लिए उनका आशीर्वाद रहता है। मेन रोड पर उसको जमीन उपलब्ध कराने का माननीय नरेंद्र सिंह जी का रहा, उसको स्वीकृत कराने का नरेंद्र सिंह जी का रहा, और ये कार्यक्रम है हमारा पूरा जो स्पेशल क्वालिटी का, वो अपने अंदर उसमें वो है बनाने की, किसी चीज़ को बनाओ तो क्वालिटी का बनाओ। जो शासन का पैसा है वो जनोपयोगी कामों में आए, ऐसा नहीं कि एकदम मतलब कुछ उसका पूरा अजम कर जाओ पैसा। आगे का जो निर्माण कार्य आपके प्रगति पर है ग्राम पंचायत, कौन कौन से निर्माण कार्य प्रगति पर है? हमारा शांति धाम फाइनल पे है, एक शांति धाम बहुत अच्छा बनाया 22.5 लाख की लागत से, उसको आप देखना। अपने दोनों जिलों में मेरे अंदाज से मुरैना सुपर में ग्रामीण स्तर पर ऐसा शांति धाम नहीं होगा जैसा आप स्वयं अवलोकन करके उसको महसूस करेंगे। और भविष्य में क्या उम्मीदें हैं, आप कौन कौन से निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में कराने वाले हैं? ग्राम पंचायत में सड़कों के निर्माण कार्य, सीसी रोड के निर्माण कार्य लगभग पूरे होने वाले हैं हमारे। जो मैंने कुछ ऐसे 10-1% सड़कें रह गई हैं, गलियां 90% गलियां हमारी सीसी ग्राम पंचायत हो चुकी है बिल्कुल। स्वच्छता का भी मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है, ग्राम को स्वच्छ और निर्मल बनाया है, ऐसा सब ग्रामवासियों का सहयोग है, पूरे आप लोगों का, पत्रकार बंधुओं का सहयोग है, सबका स्नेह मेरे को हमेशा मिलता रहा है, उसके उसमें हमने ये करा पाए हैं। आपने जाना हमारे चैनल के माध्यम से कि ग्राम पंचायत टेंटरा के सरपंच साहब से जब हमारी बात हुई थी और ग्रामीणों से जो बात हुई थी उसमें एक ही तथ्य। राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर शनिवार को राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आने वाले रामपुरिया गांव के ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सेल्समैन द्वारा ग्रामीणों को खाद्य उपलब्ध न करने की शिकायत राजगढ़ SDM से की और ग्रामीणों को आवंटित खाद्य उपलब्ध कराने की मांग की।
इस मांग पर एसडीएम द्वारा ग्रामीणों और विधायक को उचित कार्रवाई के लिए आश्वासन भी दिया। गुना जिले के मृगवास से पुलिस ने मोबाइल टावरों से चुराई गई बैटरियों के साथ चोरों को पकड़ा है। बदमाश राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे क्षेत्र के मोबाइल टावरों से 28 बैटरियां चुराकर ब्यावरा बेचने आए थे, जहां सुठालिया रोड पर पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सीवान पुलिस निरीक्षक महोदय द्वारा लगातार ही अवैध गतिविधियों पर नजर बनाए रखने हेतु आदेशित किया जाता रहा है। कल इसी के परिपालन में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें से एक मारुति वैन में दो लोगों को पकड़ा गया है। इन दो लोगों से कम 28 मोबाइल टावर में लगने वाली बैटरियाँ जब्त की गई हैं। उनके अन्य भी साथी हैं जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। ये बैटरी कहाँ से चुराई गई है, इसके संबंध में जाँच की जा रही है। दोनों आरोपी का पुलिस रिमांड लिया गया है, इसमें पूछताछ जारी है। 41 सेक्चर एवं 102 जाफ्ता फौजदारी के अंतर्गत एवं 379 महादेवी के अंतर्गत इसमें मामला पंजीकृत कर जांच में लिया गया है। शमशाबाद तहसील के ग्राम बरखेड़ा में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने रोको टोको अभियान के तहत बिना मास्क के लोगों को मास्क लगाने, वहीं नगर परिषद की गाड़ी से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। अस्पताल के डॉक्टरों ने वैक्सीन से छूटे लोगों को तुरंत अस्पताल लाकर वैक्सीन लगाने का आह्वान किया। एक मोहनपुरा गांव के रहने वाले हैं धाकड़, वो पॉजिटिव आए हैं। उनको कहीं कंपनी में देना था सर्टिफिकेट, इसलिए उन्होंने टेस्ट कराया था। और दूसरे एक पुलिस के अपराधी थे, तो कोर्ट में ले जाने से पहले वो लोग टेस्ट कराते हैं आरटीपीसीआर, तो वो पॉजिटिव आए हैं। ये बरखड़े आई के पास सपेरा टपरा के रहने वाले हैं। अच्छा, मरीज मिलने के बाद आप क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करोगे? मैं क्षेत्र के लोगों से यही अपील करना चाहूँगी, सभी लोग मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं और 2 गज की दूरी बना के रखें आपस में, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से बचें, क्योंकि अब कोरोना ने दस्तक दे दी है तो वो और आगे ना फैल पाए। खराब स्थितियां जैसे पिछली बार बनी थी वैसी ना निर्मित हों, इसके लिए सभी कड़ाई से पालन करें कोविड की जो भी गाइडलाइंस है। वैक्सीनेशन में ये अपील करना चाहूँगा कि जिन लोग रह गए हैं, जिन्होंने प्रथम डोज भी नहीं लगवाया है या जिनका दूसरा छूटा हुआ है, वो भी जल्दी से जल्दी लगा के अपना कंप्लीट करा लें, ताकि कोरोना को फिर महामारी को भगाया जा सके। तीसरी लहर को लेकर अपने हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था? अपने यहाँ पे 7 ऑक्सीजन सिलेंडर 50 लीटर के जो कि भरे हुए हैं, 7 सिलेंडर छोटे हैं, 24 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है, जिनमें से कि 22 चालू हैं, 2 अभी कुछ गड़बड़ियाँ कर रही हैं, तो उनके लिए इंजीनियर बोल दिए वहाँ से देखेंगे। नरसिंहपुर में एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस गाड़ी में 8 से 9 मजदूर सवार थे, जो गाडावारा जा रहे थे। बता दें कि घसौर से गाडावारा जाने वाली बोलेरो कार ब्रेक लगाने से डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हालांकि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। कहाँ कहाँ हो रही है? गाडर वाला। अच्छा, गाडर, ये कौन सा रूट है आपको पता है? ये गाडर वाला जाने वाला रूट है? नहीं नहीं, पंचर हो गई थी गाड़ी, तो ये कैसे यहाँ पे? नहीं तो आपको कैसे पता कि ये हाईवे गाडर वाला के लिए जाता है? साइड से जाते हैं ना, गाडर वाला का रोड यहाँ से आप 6 किलोमीटर पीछे छोड़ के आ गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा मालवा दौरे पर है। उन्होंने मंदसौर पहुंचकर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना और हवन कर लंबी आयु की कामना की। साथ ही वीडी शर्मा ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत का दावा किया है। वहीं शर्मा ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों में हुए नुकसान को लेकर ही कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को हमने अवगत कराया है और सरकार हमेशा किसानों के संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में आज उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और अभी भगवान से प्रार्थना की है और हवन पूजन के साथ महामृत्युंजय के जाप के साथ भारत के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु के लिए और देश के अंदर और वो शक्ति और ताकत से काम कर सकें, आज हम सब ने मिलकर के भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना की है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर यशस्वी बने, कार्य का विस्तार हो और सुख समृद्धि और वैभव के साथ पूरा मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी
भगवान के आशीर्वाद से सक्षम बने, आज भगवान से प्रार्थना की है। नेशनल हाईवे 44 पर एक और बड़ा हादसा हो गया, जहां सिंध पुल के पास कोटरा की पुलिया के सामने यह हादसा हुआ। यहां दो ट्रक आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना प्रभावित जिस रास्ते पर हादसा हुआ, वहां NH44 पर PWD की लापरवाही देखने को मिली। सतना जिले में धान खरीदी में हो रही कालाबाजारी को लेकर आखिरकार एक महीने बाद प्रशासन की नींद खुल ही गई, जहां नागौद SDM ने गल्ला व्यापारी W खटीक के गोदाम में छापेमार कार्रवाई की। 400 बोरी धान को जब्त किया गया है। बता दें कि धान का स्टॉक किया गया था, लिहाजा समितियों और स्व सहायता समूहों में धड़ल्ले से UP और बिहार की धान खपाई जा रही थी, जिसकी सूचना SDM को मिली। छापेमारी में नागौद SDM धीरेंद्र सिंह, तहसीलदार रमेश कौल, SDOP मोहित यादव और फूड इंस्पेक्टर दीपक परमार समेत पुलिस बल मौजूद रहा। जी, ये धान रखी हुई है यहाँ पे जी, तो ये इसका आज गोडाउन खुलवाई गई, निरीक्षण किया गया, लगभग 400 बोरी धान की पाई गई है जी, जिसका हम पंचनामा मना रहे हैं और जब्त कर रहे हैं और इसको सुप्रत में लेके उसको दे के ये फूड ऑफिस में भिजवा रहे हैं जी। और ये संदिग्ध धान लग रही है जी, कुछ उत्तर प्रदेश की बोरियाँ हैं जी, अभी छानबीन का मैटर है जी। बड़वा गुरुद्वारे में सिखों के 10वें गुरु सरबंस दानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर हो रहे 10 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत बच्चों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होकर 3 साल से लेकर बड़े बच्चों ने गुरुवाणी का जसगान किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से सभी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मौत से बचा रहे कुछ बेच के सिक्की की पहचान तो खरीद आया है, बेच पिता अपने नू, बेच पिता अपने नू, दरबार के बिच आंदा बच्चा आंदा फते, दरबार के बिच आंदा। देश हमारा सुन लो जरा दिल के कान से, हम कह रहे हैं तुमको खुदा की जुबान से, हम कह रहे हैं तुमको खुदा की जुबान। SDM जूही गर्ग के द्वारा विकासखंड ब्यावरा की शालाओं का निरीक्षण किया गया, जिसमें माध्यमिक विद्यालय खानपुरा, माध्यमिक विद्यालय कचनारिया और हाई स्कूल कचनारिया में छात्र छात्राओं के शैक्षणिक स्तर पर जांच की गई और खानपुरा के छात्र छात्राओं के स्तर कमजोर पाए जाने पर नाराजगी भी व्यक्त की। वहीं माध्यमिक विद्यालय कचनारिया के शिक्षक को कक्षा में मोबाइल चलाते पाए जाने पर फटकार भी लगाई। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था में रसोइयों से चर्चा भी की गई और मीनू के अनुसार भोजन देने के लिए समूह का आदेशित भी किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार ही अवैध गतिविधियों पर नजर बनाए रखने को आदेशित किया जाता रहा है। कल इसी के परिपालन में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें से एक मारुति वैन में 2 लोगों को पकड़ा गया। इन 2 लोगों से कम 28 मोबाइल टावर में लगने वाली बैटरियाँ जब्त की गई हैं। इनके अन्य भी साथी हैं जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। ये बैटरी कहाँ से चुराई गई है, इसके संबंध में जांच की जा रही है। दोनों आरोपी का पुलिस रिमांड लिया गया है, जिसमें पूछताछ जारी है। 41-4 एवं 102 जाफ्ता फौजदारी के अंतर्गत एवं 379 महादेवी के अंतर्गत इसमें मामला पंजीकृत कर जांच में लिया गया है।
सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र के होंडा एजेंसी के पास स्कूटी सवार युवक बिजली के खंभे से टकरा गया, जिसमें स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 108 की मदद से युवक को जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान युवक के पास से पिस्टल और कारतूस देखकर डॉक्टर दंग रह गए, जिसकी सूचना डॉक्टरों ने कोलगवा थाने को दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पिस्टल और कारतूस को जब्त कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। हालांकि युवक की हालत गंभीर होने के कारण पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई। अनूपपुर जिले में कोविड 19 संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए अनूपपुर जनपद के सीईओ उषा किरण गुप्ता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं इस अभियान में जनपद के कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों में मास्क वितरित कर सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील भी की। साथ ही दुकानदारों से मास्क का प्रयोग करने और ग्राहकों से भी मास्क लगाने का अनुरोध करने को कहा गया। दुकानदारों को समझाइश दी गई है कि जैसे उनका क्या संपर्क ज़्यादा रहता है जनता से, जैसे किराने की दुकान है, पान की दुकान है और जैसे कि सब्जी की दुकान, हमने उनको यही बोला है कि आप स्वयं भी मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, समय समय में हाथ धोते रहें और जो उनके ग्राहक आ रहे हैं उनको भी वो बिना मास्क के सामान न दें, उनको भी मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे क्या है हम संक्रमण में थोड़ा सा कमी ला सकें। राज्य सरकार की पहल पर 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोर बालक बालिकाओं का कोविड 19 टीकाकरण महाभियान प्रारंभ हुआ है। इस अभियान के अंतर्गत श्योपुर जिले में कन्या हाई स्कूल में टीकाकरण केंद्र पर बच्चों ने टीकाकरण करवाया। बच्चों ने टीका लगवाने के बाद बताया कि टीका लगवाने में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। ये टीका कोरोना की बीमारी को रोकने में सहायक होगा। मैं वार्ड नंबर 10 में रहता हूं और मैंने वैक्सीन लगा ली है। 4937 हूँ, मैं शलापुरा में रहती हूँ और ये वैक्सीन लगाने से कुछ भी दर्द नहीं हुआ। वैक्सीन लगाने में हमें फ़ायदा है क्योंकि हम कोरोना से लड़ सकते हैं और हम वैक्सीन लगाएंगे तो हम कोरोना से भी बचेंगे और अपने आस पड़ोस में कहेंगे कि वैक्सीन लगा लें। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।